जी यहाँ पे आप देख रहे हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो हुजरा मुबारक था, किस तरह उसकी मतलब है कि शक्ल तब्दील होती रही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से पहले और इंतकाल के बाद, और इस तरह बकर सद्दीक़ और उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर हुकूमत में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कमरा है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब आराम फरमाते थे, रात को सोते थे, और वो जो है हुजरा है, ये जो सामने आप देख रहे हैं हुजरा जो है बाहर का जो घर में जो हिस्सा होता है, मतलब जहाँ पे आप मेहमान वगैरह भी और बाहर के लोग जिनको आप बिठाते हैं, कमरा जो है ये बिल्कुल ख़ास होता है, यहाँ पे सिर्फ अहले घर ही अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं किस तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक जो है मतलब सबसे रियाजुल जन्नत की तरफ सबसे पहले जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पे आजकल जब आप सलाम पेश करने जाते हैं तो सामने जो खड़े होते हैं मतलब सरकारी इदारे के लोग, ये वो जगह है। तो उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के लिए जो है कब्र तैयार की गई थी हुजराए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मंज़र पेश किया जा रहा है कब्र शरीफ का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है कब्र मुबारक का और सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे का, किस तरह जो है खुला हुआ था, कोई हिजाब नहीं था, कुछ भी नहीं था, और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने घर में रह रही थी और कब्र भी अंदर ही थी। और यहाँ पे फिर देखें कि दो कब्रें और जो है मज़ीद बढ़ चुकी हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो है फिर बीच में दीवार दे दी थी और यहाँ पे कमरा है और वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अबू बकर सद्दीक़ और फिर जो है उमर इब्न ख़त्ताब रज़वानुल्लाहि अलैहिम, ये जो है कब्र मुबारक का नक्शा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।